असलम अहमद बॉडी में कहने का सलमान खान और आप लोग देख रहे हैं सलमान खान फिटनेस। आज टॉपिक हम लोग बात करने वाले हैं कि बॉडी के अंदर कैंसर प्रोड्यूस क्यों होता है, क्या वजूहत है, कैसे हम इसको रोक सकते हैं। हमारी बॉडी जो है वो फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करती है। वो फ्री रेडिकल जो है वो केमिकल रिएक्शन होते हैं जो इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट से भी आ जाते हैं और बॉडी के अंदर जो खुद के जो केमिकल फंक्शंस हो रहे होते हैं उनसे भी बॉडी प्रोड्यूस करती है। इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट से मेरा मुराद है कि ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो गया, उसके बाद कई ऐसी जगह पे आप जा रहे हैं जहाँ पे डस्ट काफ़ी है, वो जब आपके बॉडी के अंदर जाएगा तो वो फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करेगा। और उसके अलावा सिगरेट स्मोकिंग हो गई, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपके बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि जो ऑक्सीडेटिव होते हैं और जिसकी वजह से हमें एंटी ऑक्सीडेटिव फूड खाना होता है या ऐसे न्यूट्रंस हमें बॉडी के अंदर लेने होते हैं जो एंटी ऑक्सीडेटिव हों, ताकि वो अंदर जाके इन जो हमारे फ्री रेडिकल जो है उनको कम कर सकें। आज हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे फूड हैं, कौन से ऐसे विटामिन हैं जो आप खाएंगे जिससे आप ये फ्री रेडिकल्स को कम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फ्री रेडिकल्स बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं थ्रू एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स या बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, तो ये आपके जो आपका वाइटल सेल स्ट्रक्चर है उसको डैमेज करते हैं। एक वक्त को हमारी बॉडी का नेचुरल सिस्टम होता है इनसे फाइट करने का, लेकिन ये जब ज़्यादा हो जाते हैं तो ये हावी हो जाते हैं। तो कौन से ऐसे विटामिन है और मिनरल है जिससे हमें इससे उसके फूड खाने से हमें इससे छुटकारा मिल सकता है। पहली चीज़ है यहाँ पर विटामिन ए। विटामिन ए बीटा कैरोटीन भी कहते हैं। विटामिन ए जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो बॉडी के अंदर बहुत ज़रूरी है। अब वो किस किस फूड से आपको मिलेगा, वो आपको स्वीट पोटैटोस में, एप्रिकॉट में, स्पेनिश में और आपको कैंटालो गर्मा जो होता है उसमें आपको विटामिन ए मिलेगा। आपने अपनी बॉडी के अंदर विटामिन ए की कमी पूरी करनी है और वो आपने जो है इन फ्रूट से लेना है। दूसरा यहाँ पे जो मैं विटामिन बताने लगा हूँ आपको, विटामिन सी है। विटामिन सी क्या करता है, वो गार्ड करता है हार्मफुल रिएक्शन विद इन सेल्स के अंदर से। और उसमें आपको कौन से फूड में मिलेगा, आपको कीवी में मिल जाएगा, आपको सिट्रस फ्रूट में मिलेगा, आपको स्ट्रॉबेरीज में मिलेगा और उसके साथ ब्रोकली में मिल जाएगा, ग्रीन और रेड पेपर में मिल जाएगा आपको। विटामिन सी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो 90 मिलीग्राम पर डे होती है, तो विटामिन सी भी आपने अपनी डाइट में ऐड करना है। उसके बाद विटामिन ई है। अब विटामिन ई क्या करता है, जो हमारे सेल्स की जो वॉल्स होती हैं उनको फ्री रेडिकल से बचाता है। और विटामिन ई आपको मिलेगा पीनट्स के अंदर, सनफ्लावर सीड्स में मिलेगा, सिसमे सीड में मिलेगा, आलमंड्स में मिल जाएगा आपको और सैफफ्लावर ऑयल में मिलता है। और विटामिन ई की जो रिक्वायरमेंट होती है वो 15 मिलीग्राम पर डे होती है। चौथा जो यहाँ पे मैं आपको बताने लगा हूँ वो सेलेनियम है। सेलेनियम भी क्या करता है कि जो हमारी सेल वॉल्स होती हैं उनको फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करता है और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, जो कैंसर अगर बढ़ रहा हो तो उसको रोकने में काम करती है। अब सेलेनियम आपको किस किस चीज़ों में मिलेगा, आपको टूना फिश में मिलेगा, आपको एग्स में मिलेगा, मीट में मिलेगा और होल ग्रेन फूड में मिलेगा और गार्लिक में मिलेगा। तो ये चार चीज़ें हैं जैसा मैंने पहले बताया, विटामिन ए, बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, विटामिन ई और सेलेनियम। ये चार चीज़ें आपने अपनी डाइट में ऐड करनी है और जो इन चीज़ों में ज़्यादा होते हैं फूड जिसके बारे में मैंने आपको बताया वो अपनी डाइट में आपने ऐड करने हैं। जैसे कि मैंने चार चीज़ों के बारे में आपको बताया, जैसे फूड ग्रुप्स हैं, विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन ई है और सेलेनियम है, ये आपने अपनी डाइट में अगर ऐड करेंगे तो आपका जो है वो बहुत बेहतर रिस्पांस होगा और कैंसर प्रिवेंट आप कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि अगर मैं वैसे आपको बता दूं कि आपने चीज़ें ऐड करनी है जो कैंसर प्रिवेंशन के लिए मुफीद होंगी, लो फैट डेयरी उसमें ऐड करें, उसके बाद फैटी फिश ऐड करें क्योंकि वो कैंसर प्रोटेक्टिव फूड है, और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन से आपने ऐड करने हैं जो जिसमें विटामिन सी और विटामिन ई ज़्यादा होगा जो आपके लिए बेहतर है। उसके बाद ओमेगा थ्री जो है वो आप ऐड करें। ओमेगा थ्री में जैसे कि सीड्स होगा, फ्लैक्सीड, चिया सीड हो गया, उसके बाद फिश हो गई, ये आपने अपने डाइट में ऐड करना। कोशिश करें कि रेड मीट 2 से 3 दिन खाएं, उससे ज़्यादा ना खाएं, ज़्यादा उसको ना पकाएं, और क्योंकि ज़्यादा पकाएंगे तो उसमें टॉक्सिन होगा, जो भी वो जो टॉक्सिक का ज़्यादा होगा तो कैंसर क्रिएट कर सकता है बॉडी के अंदर। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का जोर ज़्यादा रखें डाइट के अंदर, वाटर का इंटेक ज़्यादा रखें अपना, जिससे आप ये कैंसर से छुटकारा पा सकते हैं और आपके लिए बेहतर हो सकता है। ये थी मेरी वीडियो कैंसर के लिए और कौन कौन से फूड हैं जिससे आप कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह निगहबान।